पे पनागा और लंगर खाना था वो बंद कर दिया हुकूमत ने, क्या कहेंगे आप? वो तो शबाज शरीफ ने ख़त्म कर दिया, वो तो खुद ही चोर है, तो चोर को छोड़ेगा, उसका पेट खाली है, अभी वो पेट भरा करेगा तो फिर भागेगा। क्या वजह है, कोई क्या खतरा था, दहशतगर्दी का खतरा था या खजाने पे बोझ था? दहशतगर्दी का कोई बोझ नहीं था, लेकिन ये खजाने में कोई बोझ नहीं था, इस लोगों का पेट खाली हुआ था, ये वापस आया पेट भरा करने के लिए। अजी यहाँ मरियम नवाज़ के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, वो आ रही है एक दो दिनों में, क्या कहेंगे आप? ये जो पोस्टर लगा हुआ है ना, ये फालतू लगा हुआ है, बकवास है। ये लंदन गया, उधर इसने मेकअप किया, इधर आके अभी लोगों को तो अपने आप को दिखाएगा ना, मैं अभी खूबसूरत बना हूँ। इसका मेकअप ख़राब हुआ था, ये जाके लंदन में इसने फिर मेकअप किया, अभी फिर अवामों को गुमराह करेगा। ये क्या गुमराह करेगा? ये अवामों को वैसे ही गुमराह करेगा, हम ये करेगा, हम वो करेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। ये दुकानदारी है इसका, इधर आके दुकानदारी करते, उधर जाके खाते, फिर इधर आके दुकानदारी करते, फिर जाके खाते बाहर। अच्छा, इमरान खान को गिरफ्तार करने की बड़ी कोशिशें की जा रही है, क्या कहेंगे आप? उसको कभी भी नहीं गिरफ्तार कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं कर सकते। अच्छा, वो बादशाह है, उसको अल्लाह ने वैसे बादशाह पैदा किया, वो वज़ीर आज़म हो या ना हो, उसका शायद ही बादशाह का है। अच्छा, महंगाई के वाले से क्या कहेंगे, आटा नहीं मिल रहा आजकल, फिर दोबारा आटा इस आवाम के लिए इसी तरह सही है, ये आवाम बेवकूफ़ है, इस लोगों के लिए ऐसे सही है, ये चोरों के पीछे भाग दे इसको तो आटा नहीं। मैं कहता हूँ इस लोगों को अटक की जो सीने ना उसके नीचे गिरना चाहिए, इस लोगों को, इस लोगों में अकल नहीं आते, इसको अकल तब आएगा जब लोग ये बिल्कुल फारिग हो जाएगा, इसमें शऊर नहीं आते। जी वालेकुम सलाम, किधर से आई हैं मैम? जी मैं DHS से आई हूँ और हम लोगों की यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं जमान पार्क में, हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, बारी बारी आते हैं, और खान साहब को क्योंकि अकेला नहीं छोड़ना हमने, तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे सब टाइम देते हैं, बैठते हैं और सब कंट्रीब्यूट करके हम लोग यहाँ पे खाना वाना हर चीज़ हम लोग यहीं कर रहे हैं, जा ही नहीं रहे हम लोग, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो चाहे दोपहर हो। तो अल्लाह ताला खान साहब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और मुल्क के हालात अच्छे हों, बस यही दुआ है हमारी। कब से आप तकरीबन यहाँ जी? जब से उनकी जान को ख़तरा हुआ है सुनने में आया, तो हमने कहा कि भाई हमें यहाँ पे जाना चाहिए, तो सब लेडीज़ जेंट्स कितने बच्चे बूढ़े हर कोई यहाँ पे आ रहा है, अब देख रहे हैं कितनी रौनक लगी हुई है। अच्छा, क्या देखती हैं, क्या महसूस करती हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग यही महसूस करते हैं कि हमें आना चाहिए उनकी हेल्प के लिए, ये बहुत बड़ी हेल्प है कि सारे आके सपोर्ट कर रहे हैं, कोई लीडर ऐसा नहीं है जिस जैसे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है, उनको सपोर्ट करना चाहिए।